हाय मैं राजीव सर, आज हम आपके लिए मोमबत्ती से संबंधित क्वेश्चन लेके आए हैं बाबू। और ये क्वेश्चन काफ़ी लोग को परेशान करते हैं, इसलिए इस वीडियो को बनाना पड़ रहा है बाबू। सीधे पॉइंट पे आते हैं। क्वेश्चन है कि बराबर लंबाई की दो मोमबत्ती, बराबर लंबाई की कई मोमबत्ती बाबू? दो मोमबत्ती एक ही समय में जलाया जाता है और पहले की खपत जो है 8 घंटे में और दूसरी की खपत जो है कितने घंटे में? 6 घंटे में। पहले की है 6 घंटे, पहले की 8 घंटे, दूसरे को 6 घंटे में होती है। तो मान ले कि दोनों समान दर से जलते हैं, तो कितने कितने घंटे बाद, ऐसे ठीक है, कितने घंटे बाद पहली और दूसरी मोमबत्ती के बीच का अनुपात कितना हो जाएगा? 2:1। तो इस क्वेश्चन पे हमें ध्यान देना है बाबू। पहले हमें लिखना है कि 8:6, उसके बाद ध्यान देना है कि 8 लिख देना है, उसके बाद अनुपात में है 2:1। इसका रूल को ध्यान से देखना है बाबू। 8 और 6 हो गया और इसका 2 और कितना हो गया? 1। तो फर्स्ट में क्या करना है, हमें ऊपर वाले को गुना कर लेना है। 8 और 6 को गुना करेंगे बाबू तो ये हो जाएगा 48। कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। कितना आ जाएगा बाबू? 48 हो जाएगा। और फिर हमें क्या करना है, इसको दोनों को गुना करना है, तो गुना करेंगे तो 16, और ये दोनों को गुना करेंगे तो हो जाएगा 6। और फिर ये दोनों का अंतर करेंगे, नीचे वाले दोनों का क्या करेंगे बाबू? अंतर करेंगे। फिर अंतर करके जो आएगा वही उसको लिख देना है। इसका मतलब 48/10। 48/10 का मतलब बाबू, 48 को हम पूर्णांक में तोड़ेंगे तो ये हो गया बाबू कि 4 पूर्णांक 8/10 हो गया बाबू क्या? 10। इसका मतलब नॉर्मली इसको हम सेकेंड में, मिनट में बदलते हैं तो ये 6 से, इसका मतलब 4 घंटा 48 मिनट का समय लगेगा बाबू। कै घंटे? 4 घंटे 48 मिनट का समय लगेगा। अब आते हैं सीधे इस पे और क्वेश्चन को क्लियर करते हैं। फिर से समझिएगा, 8 घंटे और 6 घंटे, तो बाबू 8 घंटे 6 घंटा लिख देना है। फिर इसका अनुपात दिया है 2:1, तो 2:1 लिख देना है। फिर क्या करना है, ये दोनों को गुना करना है, तो करेंगे तो 48 आएगा। और फिर साथ में क्या है, ये दोनों को गुना कर देना है और फिर अंतर करके बटा में जो आएगा वही उसका आंसर है। अगर मान लो कि पहला हो गया यहाँ 4 घंटे में, ओके, दूसरा हो गया बाबू 6 घंटे में, और यहाँ पे अनुपात हम कर दिए 2:3, तो हम फास्ट में कैसे बनाएंगे ध्यान देना है बाबू। अब इसको लिखेंगे 4 और फिर 6, 4 और कितना बाबू 6। फिर इसके बाद लिखना है 2:3, 2:3 बाबू 3, 2:3। अब हमको क्या करना है, ऊपर वाले को गुना करना है, तो फास्ट में गुना करेंगे तो कितना? 24। फिर ये दोनों को गुना करेंगे तो बाबू हो गया 8, और फिर इसको गुना करेंगे तो ये हो गया कितना बाबू? यहाँ हो गया 18। फिर दोनों का जैसे सेम का अंतर करेंगे, और अंतर करके हम इसका जो पूर्णांक तोड़ेंगे तो ये आएगा 2:4/10 का मतलब इसको मिनट में बदलेंगे तो 60। इसका मतलब हो गया 2 घंटे बाबू 24 मिनट में। फिर से ध्यान देना है, 4 और 6 लिख देना, फिर रेशियो को दोनों को गुना कर देना, ये दोनों को गुना करके अंतर करके जो आएगा वही आपका आंसर आएगा। ठीक है, खूब खुश रहिए, एनर्जी फुल रहिए। बाय बाय।